30 डेज तक हर रोज कुछ डाइट प्लान के साथ कुछ एक्सरसाइज आपके साथ हर रोज शेयर करने वाला हूँ। तो सुबह सुबह उठने के बाद आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके साथ आपको प्रॉपर पूरा दिन एक डाइट प्लान करना चाहिए जिसके मेंटेन करते हुए आपका वेट लॉस हो सके। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज प्रॉपर डाइट प्लान विथ नेक्स्ट 30 डेज प्रॉपर एक्सरसाइज। हर रोज हम लोग 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ साथ हमारे वेट भी बहुत सारे लॉस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड यू वाचिंग बॉम राइडर शांतनु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो से हम लोग नेक्स्ट 30 डेज तक हर रोज नया नया कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे और इसके साथ भी बहुत सारे डाइट प्लान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप जरूर उसको फॉलो कीजिए। तो आप जरूर 1 से 2 महीने के अंदर आप 10 से लेकर 15 किलो तक वेट लॉस कर सकते हैं। तो अभी मेरा वेट है 80 केजी और आज के बाद हम लोग 10 केजी वेट लॉस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग वेट लॉस करते हैं और इसके साथ साथ अच्छे से एक डाइट प्लान मेंटेन कर सकते हैं। एंड आज के बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट 30 डेज तक हर रोज कुछ डाइट प्लान के साथ कुछ एक्सरसाइज आपके साथ हर रोज शेयर करने वाला हूं। तो आपको क्या करना होगा, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हर रोज नोटिफिकेशन में हमारा वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाएगा और आप हर रोज एक नया एक्सरसाइज के साथ नया डाइट चार्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपका बॉडी वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे हम हर एक्सरसाइज करते हैं और वीडियो को फास्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो जरूर आपको पता नहीं चलेगा कैसे एक्सरसाइज को प्रॉपर करना है। तो चलिए एक्सरसाइज को प्रॉपर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट मेरा फाइनली जो ब्रेकफास्ट है तो अभी रेडी हो चुका है। आज मैं ब्रेकफास्ट में लूंगा, आप भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, डाइट मिल्क उसके साथ ले सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स। इधर मैंने ले लिया डाइट मिल्क
वार्म मिल्क, उसके साथ मैं लूंगा थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स। तो इधर मैं कॉर्नफ्लेक्स इसमें डाल रहा हूँ। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद कॉर्नफ्लेक्स एंड टायर मिल्क से स्टार्ट कर दीजिए। After you complete your breakfast, breakfast करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? एक फ्रूट लेना है। कौन सा फ्रूट मैं सेफ लेता हूँ? एप्पल लीजिए। बहुत मार्केट में पूरा साल अवेलेबल रहता है, तो आप एक एप्पल ले सकते हैं, बट आपको एक फ्रूट लेना है आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। एंड फ्रेंड्स, आफ्टर गिव अ फ्रूट योर बॉडी, देन आपका काम कर सकते हैं। जो जो आपका डेली का काम है, आपका ऑफिस जाना हो गया, आपका घर का काम, जो भी सारा काम है आप कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको क्या करना होगा, 4 आवर्स का गैप के बाद आपको एक मील लेना होगा, क्योंकि 4 आवर्स का बीच में आपको हर रोज छोटा छोटा करके, मतलब आप एक दिन में कितने सारे टाइम आप वर्किंग कंडीशन में है, मतलब आप कितने टाइम आपका स्लीपिंग कंडीशन में है, और बॉडी कितने टाइम आपका वर्किंग कंडीशन में है, तो उस वर्किंग कंडीशन के बीच में आप 4 आवर्स का एक एक करके ब्रेक ले लीजिए। मतलब आप हो गया 16 घंटा आप वर्किंग करते हैं, तो 16 घंटे में 4 घंटे करके 4 into 4 आपका 16 आवर्स हो गया। तो 4 into 4 मैंने मतलब आपको 4 आवर के बीच बीच में आपको मिल लेना पड़ेगा। स्टार्टर फूड होगा हेवी, एंड देन थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे, और रात में हम लोग स्लीपिंग के आगे जो मिल लेंगे वो बहुत ही लाइट होने वाला है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया कॉर्नफ्लेक्स एंड डाइट मिल्क से, उसके बाद मैंने लिया एक फूड, उसके बाद मैं मेरा जो काम है वो करूंगा, और उसके 4 आवर्स के बाद मैं फिर से और एक मिल लूंगा, और उसके 4 आवर्स के गैप के बाद मैं फिर से और एक छोटा मिल लूंगा, और उसके 4 आवर्स के गैप के बीच में मैं और एक मिल लूंगा जो मेरा डिनर होगा। तो आप सुबह उठकर जो मिल लेंगे वो हेवी होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपका मिल लाइट होता जाएगा। तो हर रोज ऐसे ही डिसिप्लिनली आपको क्या करना होगा, आपका डाइट चार्ट शेड्यूल करना पड़ेगा। आप नहीं, इस वीडियो में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, यही तक इंफॉर्मेशन दे दिया। आज के बाद हर रोज नेक्स्ट 30 डेज तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सिखाऊंगा कैसे मैंने प्रैक्टिकली वेट लॉस किया, कितने सारे खाना हम लोगों को खाना चाहिए, कौन सा खाना हम लोगों को खाना चाहिए, कौन सा खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, कैसे हम घर का खाना से बहुत अच्छे तरीके से आपका बॉडी में बहुत ही सारा प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्ब्स सब कुछ ले सकते हैं। एक्स्ट्रा बाहर की कोई प्रोटीन शेक कुछ वगैरह आपको लेना नहीं पड़ेगा, आप दिन भर एक्टिव रहेंगे घर के खाना खाने से। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे मिलेगा इस चैनल में, और इस चैनल में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज के बाद नेक्स्ट 30 डेज तक हम इस चैनल में एक शेड्यूल बनाएंगे जहां पर हम बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, और उसके साथ साथ अच्छे फूड, अच्छे खाना, अच्छे डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ लंच करने के लिए। दोपहर का बहुत सारा खाना है, और जो खाना है आपका डाइट के हिसाब से खाना है, आपका हेल्थ के हिसाब से खाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा खाना मैं आज दोपहर में लेने जा रहा हूँ। इसमें है थोड़ा सा डालिया, उसके साथ एक सब्जी, उसके साथ साथ पनीर का सब्जी, और डालिया में बहुत सारा मैंने वेजिटेबल डाल दिया, और उसके साथ साथ है मुझे सलाद जिसमें है ऑनियन, और उसमें है 2 फ्राइड मछली, और जो लाइट ऑयल में फ्राइड हुआ है मेरा जो मछली है वो लाइट ऑयल में फ्राइड हुआ है, और इसके साथ साथ जो मैंने सब्जी खा रहा हूँ उसके साथ जो मैंने डालिया भी ले रहा हूँ वो लेस ऑयल है।
तो आप जरूर इसको घर में ट्राई करिए। और नेक्स्ट 30 डेज तक हम लोग घुमा फिरा कर बहुत सारे वेजिटेबल्स खाएंगे, उससे बहुत सारा कम हम लोग ऑयली फूड खाएंगे, बहुत सारा हम लोग वेजिटेबल्स में फोकस करेंगे और देखेंगे, ध्यान देंगे कि ऑयली फूड हमारे बॉडी में जितना कम हो सके इंटेक करने के लिए। और शाम को हम क्या खाएंगे, थोड़ा सा दो बिस्किट्स लेंगे और उसके साथ एक ब्लैक कॉफी लेंगे, और ब्लैक कॉफी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप जरूर ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। और उसके साथ दो ओट्स बिस्कुट मैं रिकमेंड करता हूँ। और कौन सा बिस्किट आप कल खाना चाहिए, क्रीम केकर का जो बिस्किट आता है ना, शुगर फ्री जैसा, वो बिस्किट आपको जरूर खाना चाहिए। तो इन दोनों बिस्किट आप ट्राई कर सकते हो। और मैं बनाने जा रहा हूँ कॉफी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत जगह के लिस्ट आउट हो चुका है, बट उसमें स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से हम लोग भी पता नहीं है। तो जो नहीं जाएगा इस टूर में हमारे फ्रेंड के अंदर, उसके साथ मैं जरूर बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हमारा एक प्लानिंग चल रहा है। आप भी जाना चाहते हैं प्लीज नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बॉम राइडर शांतनु का ग्रुप में, जरूर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ कॉफी का पानी भी गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक कॉफी ओनली फॉर कॉफी ऐड करूंगा, इसके साथ कोई भी शुगर नहीं ऐड करने वाला हूं मैं, ब्लैक कॉफी लूंगा। सिंपली क्या करूंगा, मेरा जो कप है उसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक कॉफी ओनली फॉर कॉफी डाल दूंगा, और उसके बाद गर्म पानी उबल रहा है तो अच्छे से, तो उबलने के बाद इसको मैं कप में डालूंगा और बहुत ही अच्छे से कॉफी बन जाएगा। मेरे एक हाथ में मेरा फोन है और मैं दूसरे हाथों से मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आराम से बैठ कर आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो बोलिए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके नीचे, तो कमेंट करके नीचे जरूर बोलिए, पहला दिन एक्सरसाइज करके आपको कैसा फील हो रहा है। एक कप ब्लैक कॉफी, इसके साथ साथ दो ओट्स बिस्किट्स आपके डाइट के लिए बहुत ही अच्छा है। और रात में हम लोग खाएंगे, देखते रहे इतने जल्दी की बात, देखते रहे। स्टार्टिंग में आपको ब्लैक कॉफी पीना उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कड़वा है, आपका टेस्ट के हिसाब से नहीं है, इसमें शुगर एडेड नहीं है, बट धीरे 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 करके आपको ये भी आदत बन जाएगा। तो हर रोज ब्लैक कॉफी जरूर पी सकते हैं। इसके अलावा आप और एक चीज पी सकते हैं, ग्रीन टी, बट उसमें भी आप शुगर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और हम फाइनली आ चुके हैं डिनर के टाइम में, और डिनर में हम लेंगे डाइट मिल्क के साथ थोड़ा सा स्टीमिंग राइस, जैसे स्टीमिंग राइस मतलब चीरा, इसको लेंगे हम और लेंगे उसके साथ थोड़ा सा उबलता हुआ डाइट मिल्क, तो बहुत ही अच्छे है, आप रात में इसको खा सकते हैं डिनर में। और रात के डिनर आप 8 से लेकर 8:30 के बीच में कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है डिनर के लिए। तो इसको खाना खाएंगे और उसके बाद मेडिटेशन करके हम लोग 10 से लेकर 10:30 बजे सो जाएंगे। आप उसके बीच में आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पर आपका डिनर 8 से लेकर 8:30 के बीच में हो जाना चाहिए। बहुत ही अनसुइटेबल
है आपके हेल्थ के लिए, जरूर इसको ट्राई कीजिए। और फ्रेंड इधर ही आज का वीडियो खत्म होता है। आज का पूरा डाइट चार्ट मैंने आपके साथ पूरा अच्छे तरीके से शेयर किया और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। प्लीज 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 इस 30 डेज को हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से मेरा जो डाइट प्लान है उसके साथ साथ जितने सारे एक्सरसाइज मैं हर रोज आपको सिखाऊंगा उसको फॉलो कीजिए, आपको बड़ी आरामी से और अच्छे से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, गुड डे एंड गुड बाय।